दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, उनके शतक से खुश हैं, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, शतक चढ़कर विराट कोहली ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। आखिरकार कैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोहली के पल्ले से निकला उनका 75वां शतक? आपको उनका शतक, श्रीकर भरत की तूफानी पारी, दोनों का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में सबसे बेहतरीन बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ किंग कोहली दहाड़े हैं और ऐसी दहाड़ लगाई है कि सीधा शतक चढ़कर उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया और पूरी दुनिया को चुप करा दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीरीज का चौथा टेस्ट मैच मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुकाबले की शुरुआत जितनी जोरदार थी, उतनी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी थी, इस बात में कोई शक नहीं। उनकी तरफ से भी उस्मान ख्वाजा ने 180 रन लगाए, साथ ही कैमरून गिन भी शतक जड़ गए। बल्लेबाजी की पिच है तो दोस्तों हर कोई बल्लेबाजी करने का हक तो रखता ही है, लेकिन हमारे बल्लेबाजों की जब पारी आई तो ऐसी बल्लेबाजी अब हो रही है कि देखकर पूरी दुनिया सलाम कर गई। दोस्तों, हमने देखा कि किस तरीके से शुभमन गिल ने 128 रन लगाए, शतक जड़ा और वो साहस दिया सभी बल्लेबाजों को, जो बहुत दिनों से मिसिंग था। बस फिर क्या होना था, विराट कोहली और जडेजा ने बल्लेबाजी की बागडोर को तो वैसे तो तीसरे दिन के खेल से ही संभाल लिया था, जहां पर विराट कोहली का 50 देखने को मिला, तो उधर जड्डू ने भी रन बनाए थे काफी। लेकिन दोस्तों, आज जब चौथे दिन का खेल शुरू होता है, और दोस्तों चौथे दिन के खेल में आते ही रविंद्र जडेजा 28 रन पर आउट भले ही हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद विराट कोहली जो करते हैं वो देखकर हर कोई सलाम कर देता है दोस्तों इस खिलाड़ी को। दोस्तों, श्रीकर भरत के साथ अपनी पार्टनरशिप को तलाशते हुए विराट कोहली ने पहले बाउंड्रीज लगाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, विकेट बचाए, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को थकाया और अपने शतक की तरफ धीमी गति से बढ़ते चले गए। पहले सेशन तक दोस्तों ये पार्टनरशिप पत्थर की तरह मैदान पे पूरी तरीके से जम चुकी थी। अब इन दोनों को हिलाना ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के बस की नहीं था और वो उनके चेहरे पर नजर आ रहा था। विराट कोहली के नाम का खौफ भी नजर आ रहा था, जो कि दोस्तों दूसरे सेशन के शुरू होते ही विराट कोहली ने इतना बढ़ा दिया कि देखकर हर किसी का हार्ट चौक हो गया। दोस्तों, पहले सेशन के खत्म होने तक भारतीय क्रिकेट टीम 350 तक पहुंच चुकी थी। श्रीकर भरत अपने 50 के करीब थे, तो वहीं विराट कोहली 80 रन के आसपास बना चुके थे। लेकिन जैसे ही लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू होता है, तब दोस्तों विराट कोहली 220 गेंदों में अपने 88 रन तो पूरे कर ही लेते हैं, लेकिन श्रीकर भरत में ना जाने कौन सी एनर्जी आ जाती है कि कैमरून ग्रीन को अपना निशाना बनाते हुए दो बैक टू बैक सिक्सेस तो लगाते ही हैं, एक चौका भी लगाते हैं। थोड़ी देर के लिए T20 मोड में जाने के बाद जब दोस्तों विराट कोहली के पास स्ट्राइक आती है, तो दोस्तों कोहली भी अपना क्लास दिखाते हुए दूसरे छोर से ज्यादा बाउंड्री लगाने का लालच नहीं दिखाते। वो दो या एक रन लेकर अपनी पारी में धीमी गति से आगे बढ़ते रहते हैं और अपने शतक के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ श्रीकर भरत को विराट कोहली जहां तेज बल्लेबाजी करने के लिए अपॉइंट कर देते हैं, तो वहीं खुद अपने शतक की तरफ बढ़ते हैं। और आता है फिर वो सुनहरा लम्हा जब विराट कोहली शतक के बेहद करीब होते हैं। 238 गेंदे, 5 चौके और 98 रन दोस्तों विराट कोहली के हो जाते हैं। और फिर दोस्तों नेथन लियन के ओवर में 139वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल रन लेकर विराट कोहली अपने करियर का 75वां शतक पूरा कर लेते हैं। इस लम्हे के लिए दोस्तों विराट कोहली ने 241 गेंदों तक संघर्ष किया, 5 चौके लगाकर कोहली साहब ने अपना शतक पूरा किया और भारतीय क्रिकेट टीम को पहुंचा दिया सीधा 400 के पार। दोस्तों, विराट कोहली के शतक को देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठा था। रोहित शर्मा भी खड़े होकर ताली बजा रहे थे और खुद कोहली साहब भावुक थे। दोस्तों, कोहली के शतक से कई रिकॉर्ड भी बने हैं। क्या क्या रिकॉर्ड बने हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये विराट कोहली के करियर का ओवरऑल 75वां शतक बन चुका है। दूसरा रिकॉर्ड ये है कि ये विराट कोहली के टेस्ट करियर का 28वां शतक है। अब इतने बड़े आंकड़ों तक पहुंचना केवल बड़े खिलाड़ियों के बस की बात है। यहाँ पर 200 चुनिंदा खिलाड़ी ही पहुंच पाए हैं भारत की तरफ से। इतने नहीं, इस शतक के साथ विराट कोहली के 8300 से ज्यादा रन भी पूरे हो चुके हैं दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में। है ना दोस्तों, कमाल के रिकॉर्ड जो हमारे किंग कोहली के नाम हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बस इनसे ही तो शतक देखना था और वो तमन्ना भी सबकी पूरी हो गई। लेकिन कोहली के शतक उनके रिकॉर्ड्स को आप सब 10 में से कितने नंबर देने जा रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।